इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। एक्चुअली हमारा ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर के रूप में यूज करना होता है तो हम नॉर्मली ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में ही यूज करते हैं। तो जब उसे एम्पलीफायर के रूप में यूज करना होता है तो उसके क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के मिड में रखते हैं, लेकिन एक्टिविजन के मिड में रखने के बाद ये जरूरी होता है कि वो उस स्थान से ना खिसके। तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्यू पॉइंट को उस स्थान से शिफ्ट कर सकते हैं। पहला होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मतलब अल्फा कोमा बीटा। यदि सर्किट में कोई ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है और उस ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करते हैं जो कि सेम टाइप का होता है, लेकिन सेम टाइप के ट्रांजिस्टर में भी कुछ ना कुछ अंतर अल्फा का जरूर रहता है। यदि अल्फा का अंतर रहता है तो बीटा भी चेंज होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। मतलब यदि अल्फा चेंज होगा तो बीटा भी चेंज होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू यदि 0.98 है तो बीटा की वैल्यू आएगी 49, लेकिन अल्फा की वैल्यू ये जैसे ही 0.96 हो जाती है, थोड़ा ही चेंज है, तो बीटा की वैल्यू इस फॉर्म से निकालेंगे तो 24 आएगी। मतलब अल्फा के 0.98 से 0.96 होने पर बीटा की वैल्यू 49 से 24 हो रही है। अल्फा के थोड़े चेंज से बीटा में काफी चेंज होता है। बीटा चेंज होगा तो आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी होता है, जिसके कारण हमें साफ पता चल रहा है कि आई सी भी चेंज होगा। आई सी चेंज होगा तो हमें वी जी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी एक फॉर्मूला पता होता है जो कि आउटपुट लूप से निकलता है। वी सी सी और आर सी कॉन्स्टेंट है इसलिए वी सी भी चेंज होगा, क्योंकि आई सी चेंज हुआ है। वी सी सी आर सी फिक्स है, आई सी चेंज हुआ है तो वी सी चेंज होगा। और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वी सी कोमा आई सी। मतलब वोल्टेज जो कलेक्टर और मीटर के बीच में है और कलेक्टर करंट के जो कोऑर्डिनेट है उनको क्यू पॉइंट कहते हैं। क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू चेंज हो गई है। इसका मतलब क्यू पॉइंट जो है पैरामीटर के चेंज होने से उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। सेकेंड फैक्टर जो क्यू पॉइंट को अपनी पोजीशन से शिफ्ट कर सकता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज से क्यू पॉइंट अपने पोजीशन से खिसक सकता है। उसका रीजन क्या होता है देखते हैं। टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो लीकेज करंट आई सी बी यू मतलब कलेक्टर टू बेस ओपन या कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट व्हेन एमिटर इज ओपन। कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट व्हेन एमिटर इज ओपन, ये लीकेज करंट टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। और ये हमें पता है कि टेम्परेचर के 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने से आईसीबीओ जो है वो डबल हो जाती है। आईसीबीओ यदि बढ़ती है तो उससे आईसी बढ़ता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये हम इक्वेशन देख सकते हैं, आईसी इक्वल टू अल्फा इंटू आईई प्लस आईसीबीओ, जहां अल्फा कॉन्स्टेंट है। आईसीबीओ जैसे ही बढ़ती है वो आईसी बढ़ जाती है। आईसी बढ़ेगा तो उससे वीसी घट जाता है, वोल्टेज जो कि कलेक्टर और एमिटर के बीच में है। कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वीसीसी माइनस आईसी आरसी, जो कि वीसीसी और आरसी के कॉन्स्टेंट होने के और आईसी के बदलने के कारण वीसी बदल जाता है। आईसी यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए वीसी घट जाएगा, क्योंकि आईसी आरसी आपका बढ़ जाएगा। वीसीसी कॉन्स्टेंट है, आईसी आरसी बढ़ रहा है इसलिए वीसी घट जाएगा। वीसी घट गया, आईसी और वीसी की वैल्यू चेंज हो गई है, मतलब वीसी घट गया है और आईसी बढ़ गया है। ये मतलब क्यू पॉइंट जो है वीसी को आईसी जो है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट भी सैचुरेशन की तरफ होगा। सैचुरेशन साइड में कैसे होगा वो इस डायग्राम से देख सकते हैं। आईसी वर्सेस वीसी और डीसी लोड लाइन, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और डीसी लोड लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे ही क्यू पॉइंट कहते हैं। हम जानते हैं जो क्यू पॉइंट है हम एम्पलीफायर बनाने के लिए एक्टिव रीजन के मिड में रखते हैं। नॉर्मली एक्टिव रीजन के मिड में रखते हैं। एक्टिव रीजन के मिड में रखने के बाद यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से आईसी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ शिफ्ट होगा और ग्राफ में जो क्यू की पोजीशन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। और आईसी के बढ़ने से वीसी कम हुआ है, वीसी का कम होना मतलब वीसी जो है वो लेफ्ट साइड में पॉइंट आएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ और एक्स कोऑर्डिनेट जो है लेफ्ट की तरफ आएगा बाईं तरफ। इसका मतलब जो क्यू पॉइंट है वो ऊपर और बाईं तरफ मतलब ऐसे डीसी लोड लाइन पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और इधर सैचुरेशन पॉइंट है जहां पे वीसी की वैल्यू जीरो है और आईसी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वीसीसी अपॉन आरसी है, इस सैचुरेशन पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब हमें पता चला कि टेम्परेचर बढ़ने से क्यू पॉइंट जहां पर सेट किया था वहां सेट नहीं रह पाता है
और वो सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। टेम्परेचर यदि घटता है, ये इसका रिवर्स मतलब वाइस दूसरा प्रोसेस, इसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। टेम्परेचर यदि घटता है आईसीबीयू घटेगा, इसी तरह से आईसी घट जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन सेम है और वीसी बढ़ जाएगा, ये इक्वेशन सेम है। वीसी के घटने मतलब वीसी जो है आपका वीसी के बढ़ने मतलब राइट शिफ्ट और आईसी के घटने मतलब नीचे की ओर शिफ्ट। तो क्यू पॉइंट जो है डीसी लोड लाइन पर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्यू पॉइंट कट ऑफ पॉइंट मतलब वीसीसी को जीरो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे वीसी की वैल्यू जीरो वीसीसी है और आईसी की वैल्यू जीरो है। मतलब जो आपका क्यू पॉइंट है वो वीसी को आईसी शिफ्ट टू कट ऑफ साइड, कट ऑफ साइड की तरफ खिसक जाएगा। इसका ओवरऑल मतलब ये है कि टेम्परेचर बदलने से आपका जो हमारा क्यू पॉइंट है ट्रांजिस्टर का, वो जहां सेट किया है वहां सेट नहीं रह पाता है, वो इधर उधर खिसकने की कोशिश करता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो सैचुरेशन साइड में खिसकता है और टेम्परेचर घटता है तो कट ऑफ साइड में खिसकता है। ये दो पैरामीटर, इससे पहला वाला पैरामीटर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा अल्फा बीटा के चेंज होने से क्यू पॉइंट अपनी पोजिशन से खिसक गया, और अभी दूसरा पैरामीटर देखा टेम्परेचर चेंज। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो ये देखेंगे कि इन दोनों के चेंज होने को कैसे रोकना है और इन दोनों चेंज रोकना बहुत जरूरी क्यों है।